सीएम योगी के जाने के बाद एक्शन में मंडलायुक्त व जिलाधिकारी बाधा आ गए। अस्पतालों के बाहर पैथोलॉजी, एक्सरे, मेडिकल स्टोर में छापेमार कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सीएम ऑफिस की मिली भगत से सरकारी डॉक्टर व कर्मचारियों के फर्जी तरीके से पैथोलॉजी चल रही थी। दर्जनों डॉक्टर के बड़े बड़े अस्पताल व जांच सेंटर भी चल रहे हैं। बांदा में पैथोलॉजी की भरमार है, जहां गरीबों को खून चूस कर लोगों से पैसे लूटे जाते हैं। सस्ती जांचें महंगे दामों में की जाती हैं। इसके साथ ही सरकारी अस्पताल के डॉक्टर अधिकारियों की मिली भगत से फर्जी सेंटर भी चलाते हैं। कई पैथोलॉजी के रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुए। आज नगर के पैथोलॉजी सेंटरों का आकस्मिक जांच किया गया। यह शिकायत मिली थी कि कुछ पैथोलॉजिस्ट के द्वारा जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के द्वारा निर्धारित दर से अधिक पर पैथोलॉजी टेस्ट किया जा रहा है। उसकी जांच की गई है। उसमें जिन लोगों ने रेट सूची नहीं लगाई है, उन लोगों की भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग बिना पैथोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन के ही अपनी पैथोलॉजी की दुकान चला रहे हैं, उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी ये अभियान आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि अब आज लोगों को जानकारी हो गई है, तो इसलिए लोग मिल नहीं रहे। धन्यवाद। जनता के अनुरूप आयुक्त महोदय और जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिए थे कि इन लोगों को कोविड पीरियड में मरीजों का कोई शोषण ना हो, उनसे जो निर्धारित शुल्क हो उससे अधिक कोई वसूल ना करने पाए। तो लगभग 10 दिन पहले हमने जो शायद जो फीस होती है जांच की, उसके लिए इन लोगों की मीटिंग बुलाई थी और उनको सबको जो रेट लिस्ट उपलब्ध कराते हुए ये कहा था कि इसको आप अपने प्रतिष्ठान पर जो है निकालें और इससे ज़्यादा की जो है कोई भी धन वसूली की किसी रोगी से कोई शिकायत नहीं आई। तो इस 10 दिन के दौरान कोई शिकायत छुटपुट तो हम लोग को नहीं प्राप्त हुई, लेकिन प्रशासन ने खुद संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट साहब, मुझे स्वयं और हमारे सी ओ सिटी साहब को, तीनों लोगों को आज हम लोगों ने अचानक औचक निरीक्षण किया है और 5-6 डायग्नोस्टिक सेंटर्स को देखा है। उनमें कुछ कमियां हम लोगों को मिली है। अभी हम लोग बैठ के संयुक्त जो है रिपोर्ट उसकी बनाएंगे और सब जो भी गड़बड़ियाँ मिली हैं उस पर भी संबंध कार्रवाई करना हम लोग चाहेंगे।